हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो लास्ट मोमेंट टिप्स फॉर सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स। सर, 2 दिन बाद हमारे ग्रुप 2 के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अच्छा, ये जो वीडियो रहेगी वो एप्लीकेबल रहेगी जो बच्चे ग्रुप 2 दे रहे हैं उनके लिए भी, जो खाली ग्रुप 2 दे रहे हैं जिनके परसों से एग्जाम है आपके, अपना 24 तारीख से एग्जाम है, उनके लिए भी एप्लीकेबल रहेगी। प्लस जिन बच्चों के बोथ ग्रुप के एग्जाम है उनके लिए भी एप्लीकेबल रहेगी। जिनका सर कल आपका टैक्स का एग्जाम होने वाला है उनके लिए भी एप्लीकेबल रहेगी। लेकिन जिनका कल ग्रुप 1 का लास्ट एग्जाम है वो अभी इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिएगा। अभी आप फोकस करिएगा अपने टैक्स के एग्जाम पर। आप ये वाली वीडियो कल एग्जाम देकर आने के बाद देखिएगा, ठीक? और यहाँ पर मैंने स्ट्रेटजी दोनों स्टूडेंट्स के हिसाब से अलग अलग बना रखी है। जिन बच्चों का खाली ग्रुप 2 के एग्जाम है, जिनका खाली ग्रुप 2 पेंडिंग है, उनके हिसाब से अलग स्ट्रेटजी है, और जिनके बोथ ग्रुप चल रहे हैं उनके लिए अलग स्ट्रेटजी है। क्योंकि सर स्ट्रेटजी डिफरेंट रहेगी रहेगी। जिनका बोथ ग्रुप, जो सिर्फ खाली ग्रुप 2 वाले बच्चे हैं उनके लिए तो सर पहला पेपर एडवांस अकाउंट्स का, तो उनके लिए तो टाइम ज्यादा अवेलेबल रहता है, और जो बोथ ग्रुप वाले बच्चे हैं उनके लिए फिर वही 1.5 दिन का टाइम अवेलेबल है। तो मैंने दोनों तरीके से टाइम स्ट्रेटजी बना रखी है कि भाई पहला पेपर है तो हम किस तरीके से तैयार करेंगे, और अगर 1.5 दिन का टाइम अवेलेबल है तो हम किस तरीके से तैयार करेंगे। वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला जो पार्ट है, मतलब वीडियो तो सिंगल ही रहेगी लेकिन उसके 3 सेक्शंस रहेंगे। सबसे पहले मैं जिन बच्चों का ग्रुप 2, सिर्फ ग्रुप 2 है, जिनका पहला पेपर एडवांस अकाउंट्स को होने वाला है 24 तारीख को, उनकी क्या स्ट्रेटजी है वो बताऊंगा। दूसरे पार्ट में, दूसरे सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे बोथ ग्रुप वाले बच्चों की स्ट्रेटजी, और लास्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे जनरल टिप्स, ठीक है जी? तो जो ग्रुप 2 वाले बच्चे हैं वो पूरी एंड तक वीडियो दिखेगा, क्योंकि हम एंड में जनरल टिप्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी? आइए जी, जिन लोगों का भी ग्रुप 2 के एग्जाम है 24 तारीख से स्टार्ट होने वाले, जो खाली ग्रुप 2 है जिनके पास, उन लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है। देखिए जी, आज हो गई है 21 तारीख, ठीक? अब कुछ बच्चे तो आज से ही, कुछ बच्चों ने एडवांस अकाउंट्स पढ़नी स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि सर ठीक है, अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी करिए तो टेंशन लेने की बात नहीं है। हमने पूरी 2 दिन की स्ट्रेटेजी बनाई है कि 2 दिन में आप एडवांस अकाउंट्स को पूरी तरीके से कैसे रिवाइज करेंगे। सर आज हम जो कर रहे हैं, आज आप जो कर रहे हो वो करते रहिएगा। अगर कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपने एडवांस अकाउंट शुरू कर लिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी जो ये वीडियो रहेगी इसमें मैं आपको कल से क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है वो आप लोगों को गाइड करूंगा, ठीक है जी? आइए जी, सबसे पहले देखते हैं ग्रुप 2 वाले बच्चे जिनका सिर्फ ग्रुप 2 है, 24 तारीख को उनका पहला एग्जाम होने वाला है एडवांस अकाउंट्स का, ठीक? तो आप लोगों के लिए day 1 अवेलेबल है 24 तारीख, 22 तारीख का कल आपके लिए पहला दिन रहेगा, और कल आप किस तरीके से अपने कोर्स को कवर करेंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले आप सुबह लगभग 6 साढ़े 6 के आसपास पढ़ने बैठ जाएंगे, ठीक? आई होप सर आप मॉर्निंग में पढ़ना शुरू कर दिया होगा आप लोगों ने। अगर आप मॉर्निंग में शुरू नहीं करा है, लेट नाइट पढ़ते हैं, तो सर मैं लेट नाइट स्टडी को एग्जाम टाइम में एटलीस्ट बिलीव नहीं करता। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, मेरे हिसाब से सुबह आपको उठते ही, 6 साढ़े 6 उठते ही आपको 5 घंटे का स्टडी आउटपुट निकालना चाहिए, और 5 घंटे में मैंने आपको 15 to 20 मार्क्स के तो चैप्टर रखे हैं और 2 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हैं, जैसे कि आपके ईसॉप्स, बायबैक और शेयर विद डिफरेंशियल राइट, ESDR का टॉपिक। इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 15 to 20 मार्क्स का पेपर आपको इसी में से ही मिल जाएगा, ईसॉप, बायबैक और ESDR। तो आपको सबसे पहले इन तीनों चैप्टर को खत्म कर लेना है, और 2 स्टैंडर्ड आपके पास AS 19 और 20, इनमें से भी आपको एक या दोनों में से कोई भी, मतलब या तो कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा या दोनों में से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रहते हैं। तो आप मान सकते हो कि सुबह 5 घंटे में हम लगभग 25 टू 30 मार्क्स की तैयारी करके उठ जाएंगे। तो ये आप 3 चैप्टर्स और 2 स्टैंडर्ड को कवर करेंगे 11:30 तक। फिर आप 1.5 घंटे का गैप लेंगे 11:30 से 1 बजे तक। इसमें बीच में आप नहा लेंगे, अपना लंच वंच करना, लंच कर लेना, रेस्ट कर लेना। उसके बाद आप 1 से 6 बजे के बीच में 5 घंटे का स्टडी आउटपुट और निकालेंगे, और इसमें आप चैप्टर उठाएंगे लिक्विडेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और AS 26 और 22। देखो जी, दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लिक्विडेशन 10 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस है पूरे पूरे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 5 से 10 नंबर का, इनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है और बड़ा भी क्वेश्चन आ सकता है। 15 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एग्जाम में आया हुआ है, ठीक? तो आप इस, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, प्लस 2 स्टैंडर्ड है, दोनों ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड आपके, AS 26 और 22, दोनों में से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है, ठीक? तो आप अगले 5 घंटे में इन टॉपिक्स को कवर करके चलेंगे, ठीक? उसके बाद 6 से 7 बजे तक आप अपना रेस्ट कर सकते हैं, नैप ले सकते हैं। अगर शाम को आपको थोड़ा थकावट हो रही है और सोना चाहते हो तो आप 30-40 मिनट्स की नैप भी यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद आप 7 बजे से लेकर 11:30 11 बजे तक 4 से 4.5 घंटे का एक स्टडी शेड्यूल और निकालेंगे। इसमें बीच में सर आप डिनर जरूर कर लेना, खाली पेट पढ़ाई नहीं होती है, थोड़ा हल्का फुल्का जो भी आपको डिनर करना है 10-15 मिनट निकाल के डिनर कर लेना। और यहाँ पर मैंने आपको ना छोटे छोटे स्टैंडर्ड रखे हुए हैं, छोटे छोटे स्टैंडर्ड जैसे AS 4, AS 5, AS 29, ये तीनों स्टैंडर्ड इकट्ठे होते हैं, हार्डली आपको 1 घंटा लगेगा ये तीनों स्टैंडर्ड कवर करने में। उसके बाद AS 17, 10-15 मिनट का स्टैंडर्ड है। AS 7 और 9, ये दोनों मिलाकर आपका हार्डली
45 मिनट्स तक के स्टैंडर्ड है। और अमेलगमेशन का टॉपिक, सर अमेलगमेशन भी हो जाएगा, अमेलगमेशन पूरा नहीं होगा, आप स्टार्ट कर देंगे अमेलगमेशन को, मतलब आपके पास जो ये लास्ट रात के 4-4.5 घंटे हैं, इसमें से आप ये लगा सकते हो कि भाई 2.5 से 3 घंटे में आप ये स्टैंडर्ड निपटा दोगे और 1.5 घंटा आप अमेलगमेशन को भी कवर कर लोगे। अमेलगमेशन फिर हम अगले दिन भी कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक। तो रात को आप अमेलगमेशन को स्टार्ट कर दोगे, कुछ टॉपिक पीसी कैलकुलेशन हो गया और कुछ एंट्रीज वगैरह को रिवाइज कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस वगैरह को देख सकते हो, ठीक है जी। अब क्वेश्चन आता है, सर इस टाइम पे हमें करना क्या है, ठीक, हमें क्या उठाना चाहिए। देखो जी, हमें क्या उठाना चाहिए, हमें आईसीएआई का स्टडी मटेरियल या इसके स्टडी मैट के सर सारे क्वेश्चन आपको देखने चाहिए। इससे भी पहले आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है, ठीक। जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर पढ़ने हैं, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेना, ठीक। देखो एक चीज ध्यान रखना, एडवांस अकाउंट्स बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, सबसे स्कोरिंग पेपर आपका एडवांस अकाउंट्स, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है, इस वजह से हम अटक जाते हैं। सिलेबस कंपैरेटिवली बहुत कम है एडवांस अकाउंट्स का, लेकिन अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो आप क्वेश्चन में फंसते चले जाओगे, ठीक। तो आपको कंसेप्ट पे पूरा पूरा ध्यान देना है, और आईसीए के क्वेश्चन जितने भी हैं सर वो क्वेश्चन आपको देखने हैं। अगर आपने कुछ मिक्स करके, जैसे बच्चे क्या करते हैं, कुछ मिक्स करके क्वेश्चन को मार्क कर लेते हैं कि स्टडी मैट के ये क्वेश्चन हो गए, आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम में से वो क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। अगर आपने ऐसे कोई क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे जो मैं हमेशा से गाइड करता हूं कि ऐसे कर लेना चाहिए, अगर आपने कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करे तो वो क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। अगर कोई मेरा स्टूडेंट है जिसके पास मेरी बुक है, तो हम अपनी बुक में तो सर सब कुछ ही कवर कर देते हैं, स्टडी मैट आरटीपी पास्ट एग्जाम, तो वहां पर भी मैं बोलता हूं कि क्वेश्चंस को मार्क कर लो जो आपको क्वेश्चन दिक्कत दे रहे हैं, तो अगर आपके पास वो मार्क्ड क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप करके चल सकते हो। अब जो कमिंग बैच रहेगा, अपकमिंग बैच रहेगा जिसको हम 26 मई से स्टार्ट करने वाले एडवांस अकाउंट्स का लाइव बैच, उसमें सर हम बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी देंगे, कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट भी देंगे, मतलब वो बिल्कुल ही एक बढ़िया लेवल का बैच होने वाला है, ठीक। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको रिकमेंड कीजिएगा वो वाले बैच के बारे में, ठीक है जी। खैर, तो आपको कॉन्सेप्ट्स देखने हैं और आईसीए के स्टडी मैट देखने हैं, सारे क्वेश्चंस देख लेना, अगर मार्क नहीं करेंगे तो सारे क्वेश्चंस आप जरूर देख के जाना आईसीए स्टडी मैट के। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन एक बार क्या होगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, ठीक। ये पहले दिन की स्ट्रेटजी होगी, तो पहले दिन भी आप ना ना करते हुए काफी सिलेबस कवर कर लोगे, लगभग आप 50% सिलेबस आप पहले दिन में ही कवर करके जाओगे, ठीक। उसके बाद सेकेंड डे जो आपका 23 मई का डे है, इस दिन आपको क्या उठाना है, 23 मई को आप क्या उठाओगे, आप सुबह सुबह वही 6:30 बजे उठोगे, 6:30 उठ के आप लगभग 11:30 तक की आप पढ़ाई निकालोगे, 11:30 बजे तक आप क्या करोगे सर, अमेलगमेशन का टॉपिक को कंटिन्यू करोगे। आपने अमेलगमेशन लास्ट दिन रात को शुरू किया था अमेलगमेशन, तो उसको आप खत्म करोगे। यहाँ पर 5 घंटे का स्टडी आउटपुट स्टडी शेड्यूल है, तो आप लगभग 2-2.5 घंटे आपने अमेलगमेशन में मान लो और लगा दिए, ठीक। उसके बाद जो आपके 2 से 2.5 घंटे बचे, 2.5 या 3 घंटे जैसे भी आपके पास टाइम बचा, तो आप बड़े इंपॉर्टेंट 10 से लगभग 15 नंबर ही आप मान के चलो 15 मार्क्स के आप टॉपिक बैंकिंग और एनबीएफसी को कवर करोगे, ठीक। 15 नंबर का सर फिक्स क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, बैंकिंग और एनबीएफसी अच्छे से करके जाना है, बहुत स्कोरिंग है, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, ठीक। उसके बाद फिर वही 11:30 से 1 बजे तक आपको रेस्ट लेना है, लंच वंच कर लेना, अपना रेस्ट लेना, नाना धोना कर लेना, ठीक। उसके बाद 1 बजे से लेकर 6 बजे तक अगले 5 घंटे के स्टडी आउटपुट में सिर्फ आप एक ही टॉपिक उठाओगे, 20 नंबर का एक टॉपिक पार्टनरशिप, और साथ में एलएलपी की थ्योरी। पार्टनरशिप में सर टाइम कंज्यूम होता है, क्वेश्चन ज्यादा है, टॉपिक बड़ा है, 20 नंबर की वेटेज भी रखता है, तो आप पार्टनरशिप को उठाओगे और पार्टनरशिप बहुत अच्छे से करके जाना, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आसान आएगा, पूरे पूरे नंबर आपको दिलवा देगा, ठीक है जी। तो पार्टनरशिप में कर लेना। उसके बाद 6 बजे से 7 बजे तक रात को आप क्या कर सकते हो सर, वही रेस्ट कर लेना, नैप वैप ले लेना, और रात को 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक अब आपके पास ज्यादा काम बचा नहीं है, कंसोलिडेशन का चैप्टर आप उठा लेना, ठीक। सबसे ज्यादा टाइम आपको, मतलब रात का जो टाइम है 4 घंटे का 4.5 घंटे का, उसमें मेजर टाइम आपको इसी में लग जाएगा, मतलब 2.5-1 घंटे आपको इसमें लग जाएंगे, और फिर 2 स्टैंडर्ड मैंने इसके साथ डाले, AS 17-18, ज्यादा देर लगने वाली है, आधा से मतलब 45 से 1 घंटे का टाइम आपको इन 2 स्टैंडर्ड में लेगा। पहले कंसोलिडेशन कर लेना, पहले आपने कंसोल्टेशन कर लिया, तो सेकंड डे पे 23 मई को आपका जो सिलेबस है वो पूरा एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है जी। ये सारी बातें हमें 2 दिन की थी। करने का तरीका सर यहां पर भी वही रहेगा, करने का तरीका वही है आपका, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, आईसीए के स्टडी मैट करोगे, अगर कोई मार्क क्वेश्चन आपके पास तो उन मार्क क्वेश्चन को आप देख सकते हो, ठीक है जी। अब आता है सर एग्जाम वाला दिन, जो आपका 24 तारीख का दिन होगा, जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आपको क्या करना है सर, उस दिन आप वही 6 बजे तो उठ ही जाओगे, 6 बजे से लेकर उठते ही 9-9:30 बजे तक, मतलब 3 से 3.5 घंटे का आप स्टडी शेड्यूल निकालोगे सुबह सुबह उठते ही। क्या करोगे, अगर आपका कोई टॉपिक पेंडिंग रह गया है तो उस टॉपिक को निपटा लेना। हो सकता है सर आपका यहाँ पर कोई भी टॉपिक पेंडिंग रह गया हो, ठीक, तो वो पेंडिंग टॉपिक को यहाँ पर निपटा लेना। देखो एक गलती ये मत करना, अगर आप मेरी बातें फॉलो करना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, मेरी बातें फॉलो करना चाहते हो, तो सारा आप इसको ऑर्डर को ऊपर नीचे मत करना,
ऑर्डर को बिल्कुल भी ऊपर नीचे मत करना, ऑर्डर जैसा है वैसे ही रहने देना, इसको मत छेड़ना, क्योंकि बड़ा सोच समझ के प्लानिंग करके एबीसी एनालिसिस करके मैंने ये आपको लिस्ट बनाकर दी है। तो टॉपिक को प्लीज आप ऊपर नीचे बिल्कुल भी मत करना, ठीक। अगर आपका जो पर्टिकुलर टाइम में मैंने जो टॉपिक लिखा है वो आपका रह जाता है बाय चांस, नहीं हो पाता आपका पूरा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, अपने पेंडिंग टॉपिक को जो आपका एग्जाम वाला दिन है उस दिन निपटा लेना, उस दिन भी आपके पास टाइम बतेरा अवेलेबल है, ठीक। तो 6 से 9 साढ़े 9 तक आप टाइम पेंडिंग टॉपिक को निपटा लेना, और आरटीपी एमटीपी को देखना चाहो तो आप आरटीपी एमटीपी को देख सकते हो। दो दो चार आरटीपी आपने देख लिए, दो चार आपने एमटीपीज वगैरह देख लिए, काम खत्म, ठीक। जो होना था सर हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, जो निपटाना था निपटा लिया। देखो एग्जाम डे में पढ़ाई करना ये एक फॉर्मेलिटी है, आप सबको बताएं सर, एग्जाम डे में एग्जाम के दिनों में जो पढ़ाई करते हैं वो एक फॉर्मेलिटी है। जो तैयारी हमें कर दी थी वो पहले ही कर ली, अब इस टाइम पे अगर आप कोई भी चीज उठाओगे तो सर पहली बात तो अगर कोई नई चीज उठाओगे तो वो दिमाग में बैठने नहीं वाली। इस बार तो अब तो आपको बस फॉर्मेलिटी के लिए क्या करना है, पन्ने पलटने वाली बात है, पेजेस को पलटने वाली बात है। वो पेजेस पलटते रहोगे आपको कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा और कुछ नहीं, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है ये सर, ठीक। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, जो तैयारी करनी थी आपने कर ली है, बस अब उसको क्या करो, बस कॉन्फिडेंस लाओ, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि हाँ भाई मेरा पेपर है, ठीक। तो देखो आरटीपी एमटीपी आपने देख लिए, जो देखने थे देख चुके, अब आपको टाइम मिलेगा तो देख लेना, ठीक। फिर 9:30 से 10:30 तक 1 घंटा सर आपको रेडी हो गए, आप नहाओगे धोगे, नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह जरूर कर लेना, सर हेल्थ को डिस्ट्रॉय मत करना। बच्चे क्या करते हैं सर, पेपर के चक्कर में हेल्थ खराब कर लेते हैं, नहीं सर, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से अपना डाइट लो, ब्रेकफास्ट लो, लंच लो, डिनर लो, सब लो सर, लाइट रखो, ठीक है, ओवर ईटिंग मत करो, ओवर ईटिंग तो करनी भी नहीं चाहिए खैर, तो अब लाइट रखो अपने आपको, लेकिन खाओ पियो। गर्मी इतनी है तो सर आपको सर पानी का इनटेक बहुत ज्यादा चाहिए एग्जाम में, नहीं तो सर चक्कर आ जाएंगे, पानी की कमी हो जाएगी, प्लीज ऐसा मत करना, ठीक। तो ब्रेकफास्ट लो, रेडी वेडी हो जाओ, उसके बाद में जो आपके पास 1.5 घंटा बचता है 10:30 से 12 बजे तक, इसमें क्या करोगे सर, खाली होगे इसमें क्या करोगे, आपको बस एएस जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनको क्विकली रिवाइज करना है। एक बार फटाफट सारे एएस के प्रोविजंस को देख लो, प्लस चैप्टर, किसी चैप्टर में अगर आपके कोई प्रोविजन इन्वॉल्व है, सर कौन से चैप्टर में प्रोविजन इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे बैंकिंग में प्रोविजन इन्वॉल्व होते हैं, एनबीएफसी में, इसमें आपके प्रोविजन के रेट्स वगैरह होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं वो आप पढ़ सकते हो, बायबैक में आपके कुछ रूल्स वगैरह होते हैं कंपनीज एक्ट के वो पढ़ सकते हो, ईएसडीआर का शेयर विद डिफरेंशियल राइट में कुछ थ्योरिटिकल टॉपिक्स है उनको आप पढ़ सकते हो, बाकी किसी चैप्टर में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं होते हैं, बाकी तो सब प्रैक्टिस वाले चैप्टर है, तो जो करने थे कर लिए। लास्ट में सिर्फ आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना है और किसी अपने कंपनीज एक्ट के कोई टॉपिक है उसको रिवाइज कर लेना, बैंकिंग एनबीएफसी के प्रोविजन वगैरह को रिवाइज कर लेना, दैट्स इट, 1.5 घंटे में इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, ठीक। और 12 बजे प्लीज सर, 12 बजे आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बंद कर देना, 2 बजे आपका पेपर है, लगभग आप 1 बजे घर से भी निकल जाओगे क्योंकि 1:30 बजे तक आप एग्जाम सेंटर पहुंचने की कोशिश करोगे, तो सर 12 से 1 आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत लंच ले लेना, कुछ लिक्विड पी लेना, थोड़ा रिलैक्स कर लेना, मेडिटेट कर लेना, पेरेंट्स के साथ बैठ जाना, भगवान के आगे हाथ जोड़ लेना, दैट्स इट। जो पढ़ाई करनी थी, जो करना था 12 बजे तक कर लिया, उसके बाद कुछ नहीं। कई बार मैं देखता हूँ बच्चे एग्जाम सेंटर में पहुंच के भी पेजेस पढ़ रहे होते हैं, सर कुछ नहीं होता उस टाइम पे, खुद बताओ ना, 15 मिनट में तुम्हारा एग्जाम है, पेजेस पढ़ लोगे तो होगा क्या, और टेंशन हो जाती है। और किसी से जाकर, अपने सेंटर में जाकर किसी से भी कोई भी चीज डिस्कस नहीं करनी, अपनी चुपचाप साइड में अलग कोने में बैठ जाओ, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी। कई बार क्या करते हैं सर, उस टाइम पे बहुत अजीब से एलिमेंट्स होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जो जान के आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, परेशान करेंगे कि तूने ये टॉपिक कर लिया, तूने वो टॉपिक कर लिया, ये आरटीपी में था, ये एमटीपी में था, सर बिल्कुल उन बातों को मत सुनना, क्योंकि वो बातें सुनने की वजह से क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो ये तो स्ट्रेटजी थी फॉर ग्रुप 2 स्टूडेंट्स। अब आते हैं बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे, ये लोग क्या करेंगे। देखो सर, इनके लिए तो सर पहले ही हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि जो ये बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, बोथ ग्रुप्स देना कोई आसान बात नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, बट स्टिल आप दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो सर, आप लोगों का 22 तारीख को एग्जाम होगा टैक्स का, तो टैक्स का पेपर देकर आप लगभग 6 बजे के आसपास घर पे आओगे, तो 5 बजे एग्जाम खत्म होता है, 6 बजे तक मैं मान के चलता हूँ 6 बजे तक सब घर पहुंच जाएंगे, तो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 घंटे सर आपको रेस्ट करना है। आते ही पढ़ने मत बैठ जाना, बच्चे क्या करते हैं सर 6 बजे उठते ही पढ़ने बैठ जाएंगे, कोई वीडियोस देखने लग जाएंगे, सर नहीं, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको रेस्ट करना है, नैप लेनी है, नींद कर लेना, नींद ले लेना 1-1.5 घंटे की, खा पी के सो जाना, ठीक। और 8 बजे उठ के, मतलब 8 से 10-15 मिनट पहले उठना, ताकि 8 बजे आप पढ़ने बैठ जाओ और 8 बजे आपको अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देना है, ठीक। देखो 8 बजे से लेकर 12:30 तक ये जो 4 साढ़े 4 घंटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपने खराब कर दिया तो समझ लो सर आपका सिलेबस गया हाथ से, ये आपके लिए बहुत क्रूशियल है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें मैंने आपको सर छोटे छोटे चैप्टर रखे हैं, कोई भी मुश्किल चैप्टर टिपिकल चैप्टर रखा ही नहीं है, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चैप्टर रखे हैं, जैसे ईसॉप्स, बायबैक, ईएसडीआर,
ठीक, लिक्विडेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बस ये मैंने पांच टॉपिक्स रखे हैं, पांच भी क्या, ईएसडीआर को मैं एक कोई टॉपिक बड़ा मानूंगा ही नहीं, तो छोटा सा ही है। ठीक, तो मैंने आपके लिए ये पांच या चार टॉपिक आप कह सकते हो ये रखे हैं मैंने, 4 साढ़े 4 घंटे आराम से इनको दो, और इनमें से आपके सर मान के चलो 30 to 40 marks का पेपर आपको इन्हीं पांच टॉपिक्स में से मिल जाएगा। तो सबसे पहले इनको निपटा दो, सबसे पहले इनको निपटा दो, और देखना सर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा फॉर द नेक्स्ट डे। ठीक, उसके बाद जब आप अगले दिन पे आओगे 23 तारीख को, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है, उस दिन आप लगभग 6 बजे से उठ के 11:30 बजे तक पढ़ने बैठोगे, 6 से 11:30 का एक स्टडी शेड्यूल निकालोगे। यहां पर आपको उठाना है अमेलगमेशन का टॉपिक, अमेलगमेशन करने के बाद 2 से 3 घंटे अमेलगमेशन में लगाना, उसके बाद 2 घंटे आप लगाना बैंकिंग एनबीएफसी में, मतलब ये जो 5 घंटे का शेड्यूल है इसमें आप 3 घंटे लगा लेना अमेलगमेशन में, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे आपको, और 2 घंटे आप लगा लेना बैंकिंग और एनबीएफसी में। करना क्या है सर, करना आपको भी यही है, कॉन्सेप्ट्स और आईसीआई के स्टडी मटेरियल, हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट और एक आईसीआई के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस, या फिर अगर आपने कोई क्वेश्चन मार्क कर रखा है तो उन मार्क क्वेश्चन को आप देख लेना। ठीक, फिर 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक 1 घंटे सर आप रेस्ट कर लेना, ठीक, खाना वाना खा लेना, रेस्ट कर लेना, नहाना धोना ये सब कर लेना, उसके बाद आप 3 घंटे का स्टडी शेड्यूल निकालोगे, 2.5 से 3 घंटे का, 12:30 से 3 बजे तक। यहां पर आप क्या करोगे सर, यहां पर मैंने रखी है पार्टनरशिप का टॉपिक, पार्टनरशिप और एलएलपी थ्योरी, 2.5 घंटे का टाइम रखा है पार्टनरशिप और एलएलपी थ्योरी निपटा लेना। फिर आधे घंटे आप सर लंच वगैरह कर लेना, 3:30 बजे बैठ जाना पढ़ने, 3:30 से 8:30 अगेन 5 घंटे का आपको शेड्यूल निकालना है। यहां पर आपको उठाना है कंसोलिडेशन का टॉपिक, ठीक, कंसोलिडेशन खत्म करते ही, मतलब ये लगा लो आप ये 5 घंटे में 3 घंटे ले जाएगा आपका कंसोलिडेशन, 3 घंटे का कंसोलिडेशन खत्म करते ही सर आपके चैप्टर्स निबट गए सारे, देखो सारे चैप्टर्स निबट गए, एक भी चैप्टर नहीं बचा आपका, सिर्फ स्टैंडर्ड बचे हैं, टेंशन फ्री हो जाओगे, टेंशन फ्री हो जाओगे कि भाई 30 नंबर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बचे हैं, बाकी मैं 70 नंबर के, या अगर 120 नंबर का पेपर है तो कह सकते हो 80 नंबर के चैप्टर निपटा चुका हूं मैं, स्टैंडर्ड बचे हैं, बट स्टैंडर्ड सर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंपलसरी क्वेश्चन में आना है। अब आप स्टैंडर्ड पे लगोगे, अब आप स्टैंडर्ड पे लगोगे, सबसे पहले वही 5 घंटे के शेड्यूल में आप 2 घंटे का टाइम निकालोगे फॉर AS 17, 18 और 19, 3 स्टैंडर्ड निपटाओगे, AS 17, 18 और 19। ठीक, उसके बाद एक आधे घंटे पे फिर आप डिनर वगैरह करने के बाद 9 बजे फिर बैठना है आपको, 9 से 12:30 बजे तक, 12 या 12:30 जैसे भी आपकी बॉडी अलाउ करे, जबरदस्ती प्रेशराइज मत करना पड़े आपको, 9 से 12:30 बजे तक 3 साढ़े 3 घंटे के लिए आपको मैंने छोटे छोटे स्टैंडर्ड देख दिए, AS 20, 22, 26, मतलब ये तो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, उसके बाद 4, 5, 29, मतलब ये 3 घंटे में आप कह सकते हो कि 2 घंटे तो आपको इन 3 स्टैंडर्ड में लगेंगे और 1 घंटा आपको 4, 5 और 29 में लगेगा। ठीक, तो यहां तक देखोगे सर आपके मोस्टली स्टैंडर्ड कवर हो गए, 1-2 स्टैंडर्ड बचे हैं वो हम एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह भी देख सकते हैं। ठीक, टेंशन फ्री, बिल्कुल टेंशन फ्री। फिर डे थ्री जो आपका एग्जाम वाला डे है 24 तारीख का, सुबह 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, ये जो आपका 3 साढ़े 3 घंटे का टाइम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको AS 7 और 9 तो करने ही करने हैं, आधा घंटा लगेगा हार्डली, 30 to 40 मिनट्स लेंगे AS 7 और 9 को पढ़ने में। उसके बाद आप क्या करोगे, कोई भी अगर आपका टॉपिक पेंडिंग रह गया है ऊपर, कोई अगर आपका टॉपिक पेंडिंग रह गया है उसको यहां पर डाल देना। अगेन सर मैं सेम चीज रिपीट कर रहा हूं कि आप जिस टाइम पे मैंने जो टॉपिक लिखा है उसी टाइम पे वही टॉपिक को करना, अगर आप ऊपर नीचे शफल कर दोगे तो सर यू विल गेट कंफ्यूज, तो कुछ ना कुछ रह जाएगा, ये बड़ा सोच समझ के मैंने स्ट्रेटेजी बना रखी है। तो आप जिस टाइम पे जो टॉपिक लिखा है उसी टॉपिक को करना, अगर बाय चांस आपका उस टाइम में वो टॉपिक नहीं हो रहा तो सर छोड़ के अगले टॉपिक में बढ़ जाना, वो टॉपिक आप फिर यहां पर पेंडिंग टॉपिक जो आपका एग्जाम वाला दिन है सुबह सुबह उस दिन उठा लेना। ठीक, अगेन सर जो करना था आपने कर लिया, ये फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात है कि मैं एक बार आंखों से मेरी कोर्स पूरा एक बार निकल चुका है। ठीक, पेंडिंग टॉपिक भी अगर आपके हो गए, मान लो कोई पेंडिंग टॉपिक आपका बचा ही नहीं है या हो गए हैं, फिर आप क्या कर सकते हो सर, आरटीपी एमटीपी जितना भी टाइम मिला आपको आरटीपी एमटीपी उठा लेना 9:30 बजे तक, इससे ऊपर कुछ नहीं, इससे ऊपर कुछ नहीं। फिर 9:30 से 10:30 एक घंटा फिर वही रेडी हो जाना सर, नाश्ता वाश्ता कर लेना अच्छे से। ठीक, और फिर 10:30 से 12:00 बजे तक ये जो 1.5 घंटा है सर, 1.5 घंटे में आप क्या करोगे, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेना, क्योंकि इनमें प्रोविजन है, इनमें थ्योरी है, तो इनको आपको दो एक बार तो पढ़ लेना चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रोविजन को रिवाइज करना, प्लस जो भी आपके चैप्टर्स है जिसमें प्रोविजन इन्वॉल्व है, जैसे बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स हो गया, एनबीएफसी हो गया, बायबैक में कंपनीज एक्ट के प्रोविजन आ जाते हैं, ये शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स में आपके कंपनीज एक्ट के प्रोविजन आ जाते हैं, तो ये प्रोविजन वाले चैप्टर आपको लास्ट के 1.5 घंटे में देखने चाहिए अलोंग विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो यहां पर सर बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे इस तरीके से अपनी तैयारी करके चलेंगे। आई होप सर आपको प्रोग्राम जो है, ये प्लान जो है, ये क्रिस्टल क्लियर होगा। थोड़ी वीडियो बड़ी जरूर है, लेकिन एक बार देख लोगे तो सर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी, तो ये आपकी वीडियो है, इसमें आपको इस तरीके से काम करके चलना है। दोनों के लिए मैंने स्ट्रेटेजी बना दी, फॉर ग्रुप 2 स्टूडेंट एज वेल एज फॉर बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स। आई होप सर आप वीडियो आपको पसंद आएगी। ठीक, अब
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि सर जनरल टिप्स क्या क्या बातें हमें पेपर में ध्यान रखनी है। देखो ग्रुप वन के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ग्रुप वन के एक्सपीरियंस से पता लगता है कि सर पेपर आ रहा है लेंथी। अकाउंट्स का भी पेपर बहुत लेंथी था और एडवांस अकाउंट्स का भी पेपर सर लेंथी ही होने वाला है। एडवांस अकाउंट्स में सर बड़े बड़े क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, अमेल कमीशन, पार्टनरशिप हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये वैसे भी टाइम कंज्यूम करते हैं आपका ज्यादा। ठीक, तो आपका एडवांस अकाउंट का पेपर भी आएगा लेंदी, पहले ही प्रिपेयर हो जाओ, पेपर लेंदी आने वाला है। ठीक, तो पेपर पूरा कैसे करना है? सर पेपर पूरा करने के लिए आपको स्टार्टिंग से ही स्पीड को मेंटेन करना है। ठीक, हमेशा मैं बोलता हूं कि सर आप एक स्ट्रेटेजी अपनाओ कि हर मार्क के लिए आपके पास कितना टाइम है, 1.5 मिनट है। हर एक मार्क्स के लिए आपके पास कितना टाइम है, 1.5 मिनट है। तो मतलब अगर आप 15 मार्क्स का क्वेश्चन उठा रहे हो तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपके पास लगभग 20 से 25 मिनट का टाइम है। इससे ऊपर आपको एक्सीड नहीं करना, इससे ऊपर आपको बिल्कुल भी एक्सीड नहीं करना। फॉर एवरी मार्क यू हैव 1.5 मिनट, 1.5 मिनट्स। इससे ऊपर अगर आप एक्सीड करोगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। बच्चों का पेपर इसीलिए तो अकाउंट्स में छूट गया क्योंकि उन्होंने टाइम को पकड़ा नहीं। थोड़ा पेपर लेंदी भी था मैं मानता हूं, लेकिन स्टार्टिंग से अगर वो प्रैक्टिस करके चलते और टाइम पे काम करके चलते तो सर काम हो जाता। ठीक, बट अब आपको सर टाइम पे देखना है, सारी चीजों को टाइमली कंप्लीट करके चलना है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज सर, स्टार्टिंग के जो रीडिंग टाइम होता है 15 मिनट्स, उसको बहुत अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है। उसमें सिलेक्शन कर लेना कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। पहला टास्क को आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, वो आपने छोड़ दिए। ठीक, उसके बाद आप प्रायोरिटी बना लेना कि मेरे को किस सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से आता है तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर लिया, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 5 उठा लिया जो आपको अच्छे से आता है। मतलब पहले दो क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो एग्जाम में आपके पहले दो क्वेश्चन होंगे, पूरे पूरे जो पहले दो क्वेश्चन होंगे उससे आपका पेपर के मार्क्स डिसाइड हो जाएंगे। वो अगर आपने दो क्वेश्चन अच्छे पिक कर लिए और अच्छे से कर दिए, समझ लेना सर आप पास हो जाओगे, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ठीक, और पहले के दो क्वेश्चन में अगर आपकी गड़बड़ी है तो सर एग्जामिनर के ऊपर इंपैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा, वो आगे जाकर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएगा आपके पेपर को लेकर। ठीक, तो पहले दो क्वेश्चन आपको अच्छे चूज करने हैं और कोशिश करना सर 1 घंटे के अंदर अंदर दो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, 40 नंबर सिक्योर करके अपने कवर करके चलना। समझ रहे हो मेरी बात, कि 1 घंटे के अंदर अंदर अपने 40 नंबर कवर करके चलना, उसके बाद के जो 2 घंटे हैं सर फिर लगे रहो। एटलीस्ट आपकी ये टेंशन खत्म हो जाएगी कि भाई मुझे 40 चाहिए, पास होने वाली टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। 1 घंटे के अंदर अंदर अपने पासिंग मार्क्स को कवर करो, उसके बाद के जो 2 घंटे हैं उसमें लगे रहो सर, उसमें जितने आप झंडे गाड़ सकते हो उतने आप झंडे गाड़ दो, वो आपकी मेहनत है। ठीक, जितनी मेहनत करिए सर वो आखिर 2 घंटे में आप दिखा दो। ठीक है जी, पेपर में सब प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, फॉर्मेट वगैरह प्रॉपर रखना, वर्किंग नोट एजम्पशंस आपके प्रॉपर होने चाहिए। अकाउंट्स में सर इस चीज का बहुत ध्यान रखना, आपको वर्किंग नोट एजम्पशंस प्रॉपर आपको ध्यान रखना है, रिक्वायर्ड होते हैं, उनके भी मार्क्स होते हैं। हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको पता ही है पेपर के लिए यूज करना होता है हमें। कैलकुलेटर, स्टेशनरी, ये सब सामान आपके पास होना चाहिए। फॉर्मेट के लिए कोई पेंसिल स्केल यूज नहीं करना, सीधा पेन से आपको फॉर्मेट बना लेना है अपना। ठीक, थ्योरी का जब भी आंसर कर रहे हो तो सर थ्योरी आप अच्छी लिखना, रेलेवेंट लिखना, ऐसे नहीं सर कुछ भी लिखे जा रहे हो, रेलेवेंट लिखना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आप आंसर कर रहे हो तो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एएस का नाम और नंबर जरूर कोट करना है आपको, चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो चाहे वो थ्योरी क्वेश्चन हो, आपको एएस का नाम और नंबर जरूर कोट करना है। 5 नंबर का अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है तो सर 1 नंबर तो एएस का नाम और नंबर लिखने का ही मिल जाएगा। ठीक, एएस को आइडेंटिफाई कर लो, उसका नाम और नंबर को अच्छे से रट लो। ठीक, एएस का नाम और नंबर जरूर आपको कोट करके आना है। जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है जिसमें इंटरनल चॉइस होती है वो जरूर करना है सर आपको, उसमें इंटरनल चॉइस है तो उसका बेनिफिट आपको जरूर लेना चाहिए। बीच के कोई भी क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी वो तो करना ही करना है, क्वेश्चन नंबर 6 जरूर करना चाहिए, जिस क्वेश्चन में बैंकिंग और एनबीएफसी हो वो भी जरूर आपको करना चाहिए क्योंकि सर वो स्कोरिंग हो जाएगा। फिर जो आपके बड़े बड़े टॉपिक है ना, मैं तो हमेशा बोलता हूँ सर इन 3 टॉपिक में चॉइस रखो, अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन और पार्टनरशिप। इन तीनों में से जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा वो आप छोड़ो, बाकी छोटे छोटे टॉपिक को छोड़ने का कोई फायदा नहीं है, वो तो आपको सर जरूर करनी चाहिए, स्कोरिंग है वो बहुत। ठीक, बाकी अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन और डिसोल्यूशन, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको चॉइस में छोड़ना है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग चीज को अगर आप छोड़ दोगे तो आपका पेपर भी पूरा होगा और आपके अच्छे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक, ये सारी चीजें सर आपको एग्जाम में ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है जी, आई होप आपको सर वीडियो में सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और मैं उम्मीद करता हूं सर आप बहुत अच्छे से पेपर करके आएंगे, बहुत अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, 1.5 दिन या फिर 2 दिन जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। कोई भी डाउट परेशानी आती है तो सर मेरा व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, ये स्क्रॉल हो रहा है, 9717175748। आप मुझे अपना जो भी क्वेरी आएगी अगर आपकी, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो या ना हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं सर पूरी पूरी कोशिश करूंगा क्वेरी का जवाब देने की। वैसे मैं दे देता हूँ बट फिर भी अगर बिजी रहा
जब भी मैं आपकी क्वेरी पढ़ूंगा आपको जवाब उसका मिल जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट अवेलेबल है इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप मेरे स्टूडेंट हो या नहीं। ठीक है जी, चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, अच्छे से तैयारी करो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।